टॉप 5 बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन्स अंडर 16,000 रुपीज। सो दोस्तों, अगर आप भी इस प्राइस पॉइंट के अंदर अपने लिए एक परफेक्ट ऑलराउंडर टाइप का स्मार्टफोन चाहते हैं, साथ में आपको तगड़ी लेवल की परफॉर्मेंस चाहिए, नेक्स्ट लेवल कैमरास चाहिए, साथ ही OIS का सपोर्ट, लंबी चलने वाली बैटरी और तो और बेस्ट इन क्लास डिस्प्लेस। सो दोस्तों, ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। उन यूजर्स की जो कि इस प्राइस पॉइंट के अंदर सैमसंग की तरफ से एक पावरफुल स्मार्टफोन चाहते हैं, या फिर यू कहें कि एक अच्छा खासा ऑलराउंडर स्मार्टफोन जिन्हें चाहिए, तो वो यहाँ पर देख सकते हैं सैमसंग का गैलेक्सी M35 5G। बात करें फोन की दोस्तों, तो यहाँ पर जो डिजाइन दिया गया वो आपको सैमसंग गैलेक्सी M34 5G की तरह ही देखने को मिलेगा। बस फर्क यहाँ पर आपको ये मिलेगा कि बैक साइड में आपको ग्लास मटेरियल देखने को मिलता है, यानी कि बैक साइड में आपको ग्लास का सपोर्ट मिलेगा और फ्रेम आपको प्लास्टिक की ही दी गई है। साथ ही ये फोन 9.1 मिलीमीटर की थिकनेस और 222 ग्राम वेट के साथ में आता है, यानी कि थोड़ा सा मोटा और थोड़ा सा बल्की है, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा खाया पिया हुआ है। ओवरऑल फोन की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी दोनों ही आपको अच्छे मिल जाते हैं। अब बात करते हैं फोन के डिस्प्ले की। इस फोन के अंदर लगी हुई 6.6 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली सुपर एमोलेड पैनल, और अच्छी बात है कि इस बार आपको पंच होल डिजाइन देखने को मिल जाता है। साथ ही फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का सपोर्ट दिया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। इन सभी के अलावा 1000 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस है, तो इंडोर और आउटडोर में आपको यहाँ पर विजिबिलिटी की भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छी है। चलिए बात करते हैं फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया, जहाँ मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, जो कि आता है F1.8 अपर्चर के साथ में, और यहाँ पर आपको मिलता है OIS का सपोर्ट, साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया गया है। अच्छी बात यह है दोस्तों कि अल्ट्रावाइड सेंसर आपको यहाँ पर मिलता है, जबकि इस प्राइस के अंदर लगभग सभी स्मार्टफोन के अंदर आपको अल्ट्रावाइड का सेंसर नहीं दिया जाता। वहीं पर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। सो फोन का कैमरा सेटअप तो काफी अच्छा है। रही बात इमेज क्वालिटी की दोस्तों, तो डे लाइट के साथ साथ ये फोन लो लाइट में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर लेता है, तो इमेज क्वालिटी में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी, और साथ ही साथ ढेरों सारे मोड्स का सपोर्ट आपको यहाँ पर दिया गया है। वहीं पर वीडियो आउटपुट की बात करें तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से 4K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है up to 30 FPS, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो ओवरऑल कैमरा से आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। चलिए अब बात करते हैं फोन के परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों, इस फोन के अंदर लगा हुआ है 5nm बेस एक्सिनोस का 1380 का चिपसेट, जहां पर गेमिंग के लिए आपको मिलता है आम माली G68 MP5 का GPU। हालांकि एक्सिनोस का चिपसेट जरूर लगा है, लेकिन दोस्तों फोन काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल करता है। ये स्मार्टफोन औसत पर लगभग 6.25 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। साथ साथ ये स्मार्टफोन दोस्तों आपको गेमिंग में 40-60 FPS तक की सेटिंग पर गेमिंग करा सकता है, तो ये काफी अच्छी बात। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल देखेंगे तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 6000mAh का बड़ा सा बैटरा लगा हुआ है, जो कि 25W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी मिलती है, लेकिन बॉक्स के अंदर कोई भी एडेप्टर नहीं दिया गया है, तो आपको एडेप्टर अलग से परचेस करना होगा। वैसे देखेंगे तो फोन का बैटरी बैकअप अच्छा है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप बहुत आराम से मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की। दोस्तों यहाँ पर एमोलेड की पैनल तो है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। 3.5mm का जैक नहीं दिया गया, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको यहाँ पर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, जिनकी ऑडियो क्वालिटी सच में काफी अच्छी है। रही बात कार्ड ऑप्शन की, तो यहाँ पर आपको हाइब्रिड स्लॉट मिलता है, सो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब रही बात यूजर इंटरफेस की, तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 पर आता है, जहाँ पर आपको मिलता है One UI 6.1। और दोस्तों यहाँ पर आपको ढेरों सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अनवांटेड ऑब्जेक्ट को आप रिमूव कर सकते हैं, लो क्वालिटी इमेजेस को हाई क्वालिटी इमेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको गैलेक्सी AI के काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और रही बात अपडेट्स की, तो गाइस इस फोन के अंदर आपको 4 साल के मेजर अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जबकि इस प्राइस पॉइंट के अंदर लगभग सभी कंपनियां आपको मैक्सिमम 2 या 3 साल के अपडेट्स देती हैं। सो ऐसे में यहां पर भी आपको एक प्लस पॉइंट देखने को मिल जाएगा। और रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन लगभग सारे ही 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो ये अच्छी बात है। रही बात प्राइसिंग की, तो 6128 के लिए आपको देने होंगे लगभग 20,000 रुपए, बट दोस्तों सेल में ये स्मार्टफोन आपको सिर्फ और सिर्फ 16,000 रुपए की कीमत पर मिलने वाला है, और अगर आप बैंक ऑफर्स लगाते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको अराउंड 14,000 रुपीज की प्राइस पर पड़ेगा।
तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है वीवो की तरफ से वीवो गार्ड T3 5G। बात की जाए फोन की तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लुक और डिजाइन दोनों ही फोन का काफी कमाल का दिया गया है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर प्लास्टिक की फ्रेम, प्लास्टिक का मटेरियल देखने को मिलेगा। इन सभी के अलावा 7.8mm की थिकनेस और 184 ग्राम्स के साथ में आता है, तो काफी लाइटवेट और काफी स्लिम है। और वैसे आपको IP54 की रेटिंग भी मिल जाती है, तो वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी आपको दिया गया है। सो ओवरऑल देखेंगे तो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग दी गई है। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं फोन की डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस वाली AMOLED पैनल, 1800 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की कोई शिकायत नहीं आने वाली। साथ ही साथ HDR और वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो कंटेंट वगैरह स्ट्रीम करने में भी आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और इन सभी के अलावा 120 हर्ट्ज तक की हायर रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी मिलेगी। सो ओवरऑल देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी भी यहाँ पर आपको काफी अच्छी दी गई है, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाते हैं, तो कंटेंट वॉचिंग के लिए फोन तो डेफिनेटली काफी अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिलते हैं, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का जो कि F1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर दिया गया। हालांकि तीसरा सेंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, लेकिन वो कोई कैमरा सेंसर नहीं बल्कि एक फ्लिकर सेंसर है जो कि सीन के अकॉर्डिंग आपके कैमरा की सेटिंग को ऑप्टिमाइज करता है। वहीं पर फ्रंट की बात कर ले तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। सो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है। रही बात इमेज आउटपुट की, तो इमेज आउटपुट भी आपको काफी कमाल के मिल जाते हैं। डे लाइट और लो लाइट में फोटोज अच्छी निकल कर आती हैं, साथ ही आपको काफी डिफरेंट मोड्स भी दिए गए, और तो और इस फोन के अंदर पोर्ट्रेट मोड्स के लिए आपको डिफरेंट ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। रही बात यहाँ पर वीडियो आउटपुट की, तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS, जो कि काफी अच्छी बात है। और जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर आपको OIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। रही बात फ्रंट की, तो फ्रंट से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। तो देखा जाए तो कैमरा क्वालिटी भी फोन की काफी अच्छी है, तो यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 4 NMbs MediaTek Dimensity 7200 का चिपसेट, और देखा जाए दोस्तों तो ये स्मार्टफोन ऑन सुपर लगभग 7,20,000 के आसपास स्कोर करता है, और इस प्राइस पॉइंट के अंदर डेफिनेटली काफी ज्यादा पावरफुल है। गेमिंग के लिए आपको मिलता है आम G610MC4 का GPU, जो कि आपको काफी अच्छी गेमिंग भी कराने में कैपेबल है। साथ ही साथ LPDDR4X RAM और UFS 2.2 का स्टोरेज भी आपको मिल जाता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी और 44W की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया। चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है, तो देखा जाए तो यहाँ पर आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप काफी आराम से मिल सकता है अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एडवांस फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, साथ ही ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, और आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर आता है, जहाँ पर आपको मिलता है फन टच OS 14, और यहाँ पर आपको 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। रही बात 5G बैंड की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 8 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन याद रखिएगा कि आपको यहाँ पर 3.5mm का जैक नहीं दिया गया है। सो देखा जाए तो कंप्लीट ऑलराउंडर फोन है। अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की, तो 8GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 19,999 रुपए। पर दोस्तों इस समय बैंक ऑफर्स के साथ में ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 16,000 रुपए की कीमत पर, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और अगला स्मार्टफोन हमने रखा हुआ है यहाँ पर पोको की तरफ से आने वाला पोको का X6 5G। बात करें इस फोन की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन आपको कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और डिजाइन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे ये फोन 8mm की थिकनेस और 181 ग्राम्स के साथ में आता है, सो काफी लाइटवेट और काफी स्लिम भी है, तो इन हैंड फीलिंग में भी फोन काफी अच्छा रहता है। वैसे आपको बता दूं कि आपके यहाँ पर IP54 की रेटिंग भी मिल जाएगी, तो हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाएगा। सो ओवरऑल फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन में आपको यहाँ पर कोई इशू नहीं आते। बात करें डिस्प्ले की, तो फोन के अंदर लगी हुई है 6.67 इंचेस की 1.5K रिजोल्यूशन की 12-bit की सुपर AMOLED पैनल, साथ ही में डॉल्बी विजन का सपोर्ट आपको मिलेगा, 1800 यूनिट्स तक की पीक ब्राइटनेस का आपको सपोर्ट मिल जाएगा, HDR10+ वाइड वाइन L1, और साथ ही साथ 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 480 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट आपको मिलेगी, और साथ ही साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन आपको मिलता है। सो इस प्राइस पॉइंट के अंदर आपको जो भी बेस्ट स्पेसिफिकेशन दी जा सकती थी वो इसके डिस्प्ले में आपको मिल जाती है, तो डिस्प्ले आपको डेफिनेटली काफी अच्छा मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरास मिलेंगे, मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का जो कि F1.79 अपर्चर के साथ में आता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक मैक्रो सेंसर दिया गया। अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर OIS का फीचर भी देखने को मिलेगा, और साथ ही अगर हम बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पर आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर।
अच्छी बात यह है दोस्तों कि डे लाइट में फोटोज वगैरह अच्छी आती है, जिसे आप अब वो एवरेज या फिर डिसेंट कह सकते हैं। और साथ ही आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह भी दिए गए हैं। हालांकि देखा जाए तो अभी भी यहाँ पर थोड़ी सी सुधार की जरूरत है। रही बात वीडियो आउटपुट की, तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS, और फ्रंट कैमरा से आपको यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 60 FPS। चलिए अब बात कर लेते हैं फोन की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको एक लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिल जाता है, 4nm बेस स्नैपड्रैगन 7S Gen 2। और इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर एड्रेनो 710 का GPU भी देखने को मिलेगा। रही बात अंतुतु की, तो गाइस ये स्मार्टफोन अंतुतु पर लगभग 6,10,000 के आसपास स्कोर करता है। सो प्राइस पॉइंट के अंदर डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। और हाँ गाइस, यहाँ पर आप मीडियम से लेकर के हाई लेवल की सेटिंग पे गेमिंग कर सकते हैं। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी आपको मिल जाएगा। सो परफॉर्मेंस के मामले में फोन डेफिनेटली काफी अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5100mAh की बैटरी आपको मिलेगी, जो कि 67W की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए आपको टाइप सी वाली पोर्ट भी मिलेगी। और देखा जाए तो आपको यहाँ पर मीडियम यूजिंग पर एक दिन का बैकअप भी आराम से मिलेगा। रही बात स्मार्टफोन के कुछ अदर फीचर्स की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक दिया गया, तो ये अच्छी बात है। साथ ही ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट भी आपको मिलेगा, और यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दिया गया, तो ऑडियो क्वालिटी डेफिनेटली काफी अच्छी रहती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी कार्ड ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे, आप यहाँ पर सिर्फ एक साथ में 2 5G SIM ही लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूजर इंटरफेस की। तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पर लॉन्च किया गया, जहां पर आपको मिलता है MIUI 14। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको यहां पर 3 साल के मेजर अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलने वाले, तो ये काफी कमाल की बात है। रही बात 5G बैंड की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 10 5G बैंड को सपोर्ट करता है। और हाँ दोस्तों, यहां पर आपको MIUI डायलर दिया गया है, तो आप यहां पर आसानी से किसी की कॉल भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। वहीं पर अगर हम बात करें प्राइसिंग की, तो 8 और 256 के लिए आपको नॉर्मली देने होंगे लगभग 16,000 रुपए। पर दोस्तों बैंक ऑफर्स के साथ में ये स्मार्टफोन इजीली आपको 15,000 रुपए कीमत पर मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख लेते लिस्ट के अगले फोन की। और यहाँ पर हमने रखा हुआ है मोटोरोला की तरफ से आने वाला मोटो का G85 5G। बात करें इस फोन की, तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलने वाला है। हालांकि प्लास्टिक की फ्रेम होगी, प्लास्टिक का बैक होगा, लेकिन कुछ स्मार्टफोन के अंदर आपको यहाँ पर इको लेदर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में ये स्मार्टफोन 7.6mm की थिकनेस और 173 ग्राम्स के साथ में आता है। तो देखा जाए तो आपको यूज करने में भी यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। साथ ही साथ आपको यहाँ पर IP53 की रेटिंग मिल जाती है, तो वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो बिल्ड क्वालिटी देखा जाए तो फोन की यहाँ पर काफी अच्छी है। बात करें डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.67 इंचेस की एक प्लास्टिक OLED पैनल, जो कि 10 bit की है, यानी आपको यहाँ पर 1 billion कलर्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन और 1600 nits तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती। साथ ही साथ कर्व एजेस के साथ में आती है, तो आपको यहाँ पर मूवीज वगैरह वॉच करने का जो एक्सपीरियंस है वो और ज्यादा इन्हेंस हो जाता है। वहीं पर गेमिंग के लिए 120Hz तक की हाई रेफ्रेश रेट और 240Hz की टच सैंपलिंग रेट भी मिल जाती है। सो ओवरऑल देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के अंदर बेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले आपको यहाँ पर दी गई है। अब बात करते हैं फोन के कैमरास की। सो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा लगा 50 मेगापिक्सल का, जो कि आता है f1.8 अपर्चर के साथ। इसी के साथ में 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस लगा हुआ है, जो कि मैक्रो और साथ ही साथ पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में भी आपकी काफी मदद करता है। रही बात फ्रंट की, तो फ्रंट में आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। सो ओवरऑल देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक कंप्लीट सेटअप दिया गया है। और रही बात इमेज क्वालिटी की, तो भाई यहाँ पर काफी कुछ इम्प्रूवमेंट हो चुका है। मोटोरोला की तरफ से आपको इमेज क्वालिटी में थोड़ी भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। इमेज क्वालिटी डे लाइट में काफी कमाल की है। वहीं पर अगर हम बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस की, तो फ्रंट और बैक दोनों से ही आप यहां पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। वैसे बैक से आपको यहां पर 60 FPS तक का सपोर्ट भी मिल जाता है। सो कैमरा परफॉर्मेंस भी फोन की यहां पर काफी अच्छी है। अब बात करते हैं यहां पर फोन की चिपसेट की। ये स्मार्टफोन आता है 6nm बेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 चिपसेट के साथ में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो चिपसेट है, ये लगभग आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 जैसी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। ये स्मार्टफोन अंतुतु पर लगभग 4,75,000 के आसपास स्कोर कर जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर मीडियम सेटिंग पर अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको मिल जाएगा। तो देखा जाए तो आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस में भी कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में लगी हुई 5000mAh की बैटरी और ये स्मार्टफोन 33W चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए आपको टाइप सी वाली पोर्ट भी मिल जाती है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं, तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप भी काफी आराम से मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ यहाँ पर एडवांस फीचर्स की।
तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, साथ ही ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं जहां पर आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है। और भाई देखा जाए तो ऑडियो क्वालिटी सच में बहुत कमाल की है। इसी के साथ में ये स्मार्टफोन हाइब्रिड स्लॉट के साथ में आता है, सो यहां पर आप एक साथ में दो 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। वहीं पर अगर हम यूजर इंटरफेस की बात करें तो ये स्मार्टफोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर, जहां पर मोटोरोला की कस्टम स्क्रीन हेलो UI का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। रही बात अपडेट्स की तो ये स्मार्टफोन आपको 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस के साथ में मिलने वाला है, जो कि काफी अच्छी बात है। और रही बात 5G बैंड्स की तो ये स्मार्टफोन लगभग सारे ही 5G बैंड को सपोर्ट करता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर 3.5mm का जैक नहीं दिया गया है। तो अगर आप 3.5mm जैक चाहते थे तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप इस प्राइस पॉइंट के अंदर एक अच्छा खासा ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहते थे तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात कर ले प्राइसिंग की, सो दोस्तों 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 17,999 रुपए। बट दोस्तों इस सेल में ये स्मार्टफोन आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 16,000 रुपए की कीमत पर। अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन के लिए वेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है रियलमी का नार्जो 70 टर्बो। बात करें फोन की तो ये फोन हालांकि आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलने वाला है। प्लास्टिक का फ्रेम, प्लास्टिक का बैक आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ IP65 की रेटिंग आपको मिल जाती है, यानी कि वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा। इन सभी के अलावा ये फोन 7.6mm की थिकनेस और 185 ग्राम के साथ में आता है। सो ओवरऑल देखेंगे तो फोन लाइट वेट भी है और इन हैंड में भी आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.67 इंचेस की एक बड़ी फुल HD+ वाली OLED पैनल, जहां पर आपको DT Star 2 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, जो कि देखा जाए तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से थोड़ा सा बेटर निकल कर आता है। साथ ही 2000 नीट्स तक की हाई ब्राइटनेस आपको यहां पर देखने को मिल जाती है, यानी कि इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहां पर कहीं भी कोई शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली। और हाँ, अगर हम बात करें गेमिंग की तो 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज के आपको यहां पर टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वैसे आपको एक बात और बता दूं कि स्मार्टफोन के अंदर आप यहां पर ऑनलाइन HD कंटेंट वगैरह भी स्ट्रीम कर पाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो ओवरऑल देखा जाए तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहां पर काफी अच्छी मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहां पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहां पर 2 कैमरास देखने को मिल जाएंगे। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि आता है f1.8 अपर्चर के साथ में, और दोस्तों ये सेंसर ओमनीविजन की तरफ से आता है। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहां पर एक टैप सेंसर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में लगा हुआ है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है। और रही बात इमेज क्वालिटी की, तो दोस्तों यहाँ पर बैक कैमरा से इमेज क्वालिटी भी काफी अच्छी निकल कर आ जाती है। डे लाइट में फोटोज में आपको कहीं भी कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ढेरों सारे मोड्स का सपोर्ट भी दिया गया है। वैसे अगर हम बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस की, तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर अल्ट्रा HD तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे up to 30 FPS, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आपको यहाँ पर जायरो EIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो कैमरा मॉडल भी फोन का यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 4nm बेस MediaTek Dimensity 7300 का चिपसेट। और दोस्तों देखा जाए तो ये चिपसेट हमें जनरली 20,000 से 22,000 रुपए वाले स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिलता है, जहां पर गेमिंग के लिए लगा हुआ है आम माली G615 MC2 का 2 कोर का GPU। अंतुतु की बात करें दोस्तों तो ये स्मार्टफोन अंतुतु पर लगभग 7.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। और इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो डेफिनेटली एक किलर फोन है, आपको बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। साथ ही स्मार्टफोन के अंदर आपको लार्जेस्ट कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है। इतना ही नहीं, आप यहाँ पर 90 FPS तक की गेमिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर 6-axis जायरोस्कोप का सपोर्ट देखने को मिलता है। और इतना ही नहीं, गेमिंग के लिए GT मोड का सपोर्ट भी दिया गया है, जो कि आपको रियलमी के महंगे वाले स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो गेमिंग के लिए स्मार्टफोन डेफिनेटली काफी कमाल का है। और इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर LPDDR4S की रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। अगर आप एक हैवी गेमर है तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, साथ ही 45W की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए आपको टाइप सी वाली पोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। तो देखा जाए तो अगर आप यहाँ पर एक नॉर्मल यूजर है तो आपको यहाँ पर इजिली एक दिन का बैकअप भी काफी आराम से मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिनकी ऑडियो क्वालिटी सच में काफी कमाल की है। इन सभी के अलावा हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर 1 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और रही बात यूजर इंटरफेस की, तो ये स्मार्टफोन आता है एंड्रॉइड 14 पर, जहां पर आपको मिलता है रियलमी का UI 5.0। हालांकि यहां पर भी आपको काफी सारे प्री ब्लॉकवेयर एप्स देखने को मिल जाएंगे,
लेकिन आप उन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। साथ ही साथ दोस्तों, ये स्मार्टफोन 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस के साथ में आपको मिलने वाला है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। और रही बात यहाँ पर 5G बैंड्स की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 9 5G बैंड्स देखने को मिलेंगे, और साथ ही में इस फोन के अंदर आपको Wi-Fi 6 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इतना ही नहीं, इस फोन के अंदर आपको ढेर सारे AI फीचर्स का सपोर्ट भी दिया गया है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक कम्प्लीट गेमिंग स्मार्टफोन है। अगर आप इस प्राइस पॉइंट के अंदर एक अच्छा सा गेमिंग स्मार्टफोन चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, 6 और 128 के लिए आपको बैंक ऑफर्स के साथ में ये स्मार्टफोन मिल जाएगा 14,999 कीमत पर। अगर आप चाहें तो डेफिनेटली स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।